नमस्कार दोस्तों, मनी और मजा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले आयुष्मान भारत योजना के बारे में। हम आपको आज ये बताने वाले हैं कि इस योजना में कौन कौन शामिल नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि इस योजना में देश की 10 करोड़ गरीब फैमिलीज़ कवर है और 50 करोड़ लोग कवर हैं, लेकिन वो कौन से लोग हैं जो 50 करोड़ लोगों की लिस्ट में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं भी उस लिस्ट में नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि अपने एक वीडियो बना के अपने व्यूअर्स को भी बताया जाए कि वो इस लिस्ट में है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें ऐसा है कि 5 कैटेगरी में आपको बताऊंगा, वो 5 कैटेगरी के लोग इस आयुष्मान भारत योजना स्कीम में शामिल नहीं है। इसमें से पहली कैटेगरी है, किसी भी फैमिली का अगर नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस हो और वो रजिस्टर्ड हो, गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हो। नॉन एग्रीकल्चर मतलब खेती के अलावा कोई भी दूसरा बिजनेस हो और वो सरकार में रजिस्टर्ड हो, तो उस फैमिली को इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। दूसरा, किसी भी फैमिली में अगर कोई भी एक व्यक्ति 10,000 रुपये से ज़्यादा कमाता हो, तो उस फैमिली को भी इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तीसरा, किसी भी फैमिली में इनकम टैक्स भरा जाता हो, तो उस फैमिली को भी इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। चौथा, कोई फैमिली जो प्रोफेशनल टैक्स पे करती हो, या फिर किसी का पक्का मकान हो, पक्का घर है किसी का, तो उसे भी इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और किसी भी फैमिली के पास में 2.5 एकड़ से ज़्यादा अगर ज़मीन है, तो उस फैमिली को भी इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो ये वो कैटेगरी है जिन लोगों को इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और बाकी तो सब आपको आयुष्मान भारत योजना के बारे में पता ही है, और मैंने एक वीडियो भी पहले बनाया हूँ, वो भी वीडियो आप देखोगे तो उसमें और आपको डिटेल में पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन पर भी क्लिक जरूर करना। बाय। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मनी और मजा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।